नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। कैसे करें SIP की शुरुआत, कैसे करें निवेश की बचे आपका टैक्स, इससे जुड़े दर्शकों के तमाम सवाल हमारे पास आते हैं। कुछ सवालों को हमने अपने इस शो में भी शामिल किया है। साथ ही LIC को लेकर भी तमाम सवाल अक्सर हमें आते हैं। लोग समझना चाहते हैं कि आखिर क्यों ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स LIC जैसे ट्रेडिशनल निवेश से दूर रहने की सलाह देते रहते हैं। साथ ही लोगों के मन में ये ज्यादातर सवाल रहते हैं कि ज्यादा रिटर्न कम से कम वक्त में आप कैसे कमा सकते हैं, तो क्या एक लक्ष्य होना चाहिए, क्या रिटर्न ही एक लक्ष्य होना चाहिए निवेश करते समय, कि ये देखना जरूरी है कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड की परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कैसी रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं हमेशा कि हमें फलाना फंड में निवेश करना है या कुछ ऐसे फंड बताए जिसमें हमें धमाकेदार या जबरदस्त रिटर्न मिले। तो इस तरीके की जो रणनीति होती है पर्सनल फाइनेंस में, वो कितनी कारगर साबित होती है, इस पर हम जानेंगे अपने इस खास शो में। कई दर्शकों ने हमें सवाल भेजे हैं। इनफैक्ट हम ये आपको बताएं कि किस तरीके से SIP की कई लोग जो शुरुआत करते हैं, एक रकम आधारित कर देते हैं और उसके बाद गोल तय करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप पहले गोल तय कीजिए, उसके बाद अगर रकम आधारित करते हैं तो उसके लिए आपका जो आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है आने वाले टाइम में, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग का है, चाहे वो शादी का है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई का है या फिर बच्चों की शादी का है, तो ऐसे में आप इस कॉर्पस को अच्छे ढंग से ले सकते हैं, अच्छे ढंग से उसको इकट्ठा कर सकते हैं अगर पहले आप एक गोल सेट करें। तो पर्सनल फाइनेंस में या फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ ऐसे ही छोटे मोटे ऐसे गुर होते हैं जिनको समझने से आप अच्छे से अपनी जो कमाई है, अपने जो पैसे हैं, उनको अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल हमारे पास ज्यादातर आते रहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो आखिरकार कब से इसकी शुरुआत की जाए। अगर आप जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करने का टाइम भी मिल जाता है, लेकिन कई लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पर रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं जब उनकी बहुत सारी लाइबिलिटीज भी खत्म हो गई होती है, तो इस समय पर रिटायरमेंट प्लानिंग का अपना ही एक फायदा माना गया है। जैसे अगर आप 40s में रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना चाहिए, आपकी जरूरतें क्या होनी चाहिए उस रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, ये भी, और साथ ही कौन कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनमें निवेश करने से आपके पास जो आपका मन चाहा कॉर्पस है उसको आप ले सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना है और अगर हमने एक टारगेट सेट किया है, जैसे कि 20 साल का एक टारगेट जिसमें SIP शुरू करनी है, तो पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप में निवेश करना बेहतर रहता है, और आपके गोल के हिसाब से कितना कॉर्पस आपको इकट्ठा करना चाहिए, एसेट एलोकेशन क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जितना आप यंग इन्वेस्टर होते हैं, जितना आप यंग होते हैं कम उम्र में, ज्यादा से ज्यादा अगर आप अग्रेसिव फंड्स में निवेश करते हैं तो आपके लिए बेटर होता है, ज्यादा से ज्यादा इक्विटी में एक्सपोजर बेटर माना गया है, जबकि जितना आप आगे बढ़ते हैं डेट में एक्सपोजर बेटर माना जाता है। तो ये जो एक प्रिंसिपल है, फंडा है, वो कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ बारीकियां हैं एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग की, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज फाइनेंशियल प्लानर फिरोज अजीज हैं। फिरोज, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे आज के इस स्पेशल शो में। फिरोज, आज हम कई दर्शकों के सवाल लेने जा रहे हैं अपने शो में, और कुछ सवाल इनफैक्ट मैंने बताए भी हैं और कई लोगों के मन में ऐसे सवाल उठते भी होंगे कि आखिरकार हमें अपने लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। ऐसा एक सवाल नोएडा से प्रकाश जी ने भेजा है। वो एक SIP शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने एक टाइम फ्रेम सेट किया है 12 साल का, लेकिन रकम रखी है सिर्फ 1000 रुपए प्रति महीना। अब स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में निवेश करने की इनकी चाहत है और 3 अग्रेसिव फंड्स भी ये चाह रहे हैं। अगर हम इनके निवेश की बात करें और साथ ही एक टाइम फ्रेम की बात करें, आपको लगता है कि जो ये सिर्फ 1000 प्रति महीने की जो इनकी SIP जो से शुरू करना चाहते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट है इस लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए? है कि 1000 रुपए बहुत 1000 रुपए बहुत कम अमाउंट होती है आज के समय में। अगर जैसे आई बढ़े वैसे निवेश बढ़ाएं,
लॉन्ग टर्म में उनकी जो कॉर्पसेस कलेक्ट होंगी वो काफी बड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर 1000 रुपए भी लिया जाए फॉर टू स्टार्ट विथ, 30 सालों में वो 54 लाख अगर मासिक पर मंथ अगर 1000 रुपीज भी इन्वेस्ट किया जाए तो 30 इयर्स बाद 54 लाख की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। बट जैसे आई बड़े निवेश बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। यहाँ पर शायद थोड़ा सा फोन लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी हम फिर से फिरोज से बात करेंगे जरूर इसमें और हमारे साथ वो जुड़ेंगे भी तमाम दर्शकों के सवाल देने के लिए। और जैसा फिरोज बता रहे थे कि 12 साल का अगर आपका एक लॉन्ग टर्म का निवेश का नजरिया है उसके तहत 12 साल का जो आपने एक टारगेट रखा है, 1000 महीने एक एक्चुअली छोटी रकम है, तो प्रकाश के लिए बेटर रहेगा कि आप जो अपना नजरिया है उसके लिहाज से अपना जो अमाउंट है वो बढ़ा सकते हैं। 1000 से बढ़ाकर आप 3000 रुपए अगर करें तो आपको 12 साल में लगभग 10 से 11.5 लाख रुपए तक आपके इकट्ठा हो सकते हैं, क्योंकि इक्विटी फंड्स में स्पेशली देखा गया है कि 12 से 13% रिटर्न देने की क्षमता है। तो इसके तहत अगर आप SIP शुरू करते हैं और हम ये इमेजिन करें कि आप अभी शायद अपने 30s में हो और उसके तहत आप इक्विटी फंड्स में निवेश जरूर कर सकते हैं। फिरोज इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से हैं। फिरोज अगर हम ये क्योंकि इन्होंने अपनी उम्र नहीं लिखी है, उम्र के लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये मानिए 30s में है, 30s के लिहाज से इनके पास आगे क्षमता जरूर बढ़ती है कि अपना ये निवेश आगे और बढ़ा सके, तो ऐसे में ये रकम अगर 1000 से बढ़ाएं और ज्यादा तो कितनी बढ़ा सकते हैं और उस लिहाज से इनका कॉर्पस 12 साल में कितना इकट्ठा हो जाएगा? देखिए जैसे आपने कहा अगर ये 3000 तक इनकी जो अमाउंट्स बढ़ा पाएं तो ये 10.5-11 लाख तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इनकी टाइम फ्रेम्स भी कम है और इनकी अमाउंट्स भी कम है तो इनका लक्ष्य पूरे होने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। बट मेरे हिसाब से अगर ये अपनी अपनी सेविंग्स को अगर 3000 तक ले जाएं तो काफी इनका टारगेट पूरा हो सकता है, या फिर अपनी टाइम फ्रेम्स बढ़ानी पड़ेगी इनको। एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ SIP की हमने बात की है। एक निवेशक के लिए अगर हम जानना चाहे कि SIP के अलावा और कौन से ऐसे निवेश होते हैं जो कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पर बहुत जरूरी होते हैं, तो कहां पर ज्यादा फोकस रहना जरूरी होता है अपार्ट फ्रॉम SIPs? देखिए फर्स्ट सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम पहलू यह है कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंसेस हैं और आपकी जो टर्म प्लान्स हैं वो इन प्लेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले जैसे कॉर्पस बिल्ड करने से पहले आपको ये रिस्क मिटिगेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके डिपेंडेंस पे फाइनेंशियल बर्डन ना आए। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट गेट योर इंश्योरेंस एक्ट टुगेदर। एक टर्म प्लान और इनकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस जो आजकल होती हैं काफी बढ़ गई हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस कवर और टर्म प्लान एडिक्वेट होने के बाद ही फिर सेकेंड स्टेप होता है कंटिंजेंसी एक फंड होना जरूरी है, और तीसरा स्टेप होता है कि इन्वेस्टमेंट्स करें और SIP करें। ऑल राइट, और कुछ फंड्स भी इनफैक्ट जिन पर आप गौर कर सकते हैं वो है कोटक सिलेक्ट फोकस, मेरा एसेट इंडिया, अपॉर्चुनिटीज फ्रैंकलिन इंडिया प्राइम है, कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके बारे में आप जरूर सोच सकते हैं, लेकिन अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा। चलिए SIP के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि निवेश के टाइम पर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है कई लोगों के मन में सवाल होता है, और ऐसा ही सवाल हमारे पास एक और दर्शक का आया है गाजियाबाद से, विमल जी का। कह रहे हैं कि 46 साल इनकी उम्र है, रिटायरमेंट प्लानिंग अब ये करना चाहते हैं, 18 लाख सालाना इनको इनकम चाहिए स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है, तो ऐसे टारगेट के साथ इनका कॉर्पस कितना होना चाहिए रिटायरमेंट के वक्त, और कितना और किस SIP में निवेश करना इस टारगेट के तहत बेटर होगा? करेक्ट, तो आज अगर इनको 18 लाख की पर मंथ की इनकम चाहिए तो इनका जो कॉर्पस होगा काफी बड़ा होने की रिक्वायरमेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर इनकी 1.5 लाख पर मंथ की अगर रिक्वायरमेंट है तो आज से ये 46 इयर्स के हैं तो इनको एक कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा ऑलमोस्ट अबाउट क्लोज टू अबाउट 2.5-3 करोड़, तब जाके इनकी रिटायरमेंट की कॉर्पस से 18 लाख की पर एनम इनकम आने की संभावना है। और जैसे ही ये रिटायरमेंट करें तो वो जो आफ्टर द रिटायरमेंट ये पूरा पैसा डेट में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो उसकी रिटर्न्स काफी ड्रॉप हो जाएंगी और 8-9% हो जाएंगी। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, 2.5-3 करोड़ की कॉर्पस चाहिए होगी उनको इकट्ठे करनी पड़ेगी। अभी इनकी एज 46 है तो ये लेट प्लानिंग कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट की, तो ज्यादा समय नहीं बचा है तो इनको लार्ज सेविंग्स करनी पड़ेंगी आज से।
एब्सोल्युटली, तो कह सकते हैं कि अभी से अब शुरुआत करें तो बेटर है, इट्स नेवर टू लेट. अभी आपने सोचा है तो आप इन तमाम प्लान्स के तहत जो फिरोज भी बता रहे हैं अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, अपने मनचाहे कॉर्पस को भी आप जरूर इकट्ठा कर सकते हैं. अगला सवाल मुंबई से त्रिलोक जी ने हमें लिखा है. जी जी यस फिरोज. या इनको अगर मंथली अगर इन्वेस्टमेंट करना है अगले 12 साल तक क्लोज टू 95,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनको. जो अगर ग्रो होगा तो इनको 3.2 करोड़ की कॉर्पस आ जाएगी बाय द टाइम दे ही रिटायर्स, और उनको 18 लाख पर एनम सब्सिक्वेंटली 58 की जो उम्र अगर हम रिटायरमेंट की माने तो इनके पास 12 साल और है, तो महीने के लाख रुपए अगर ये इन्वेस्ट करेंगे तब जाके इनके पास 3.2 करोड़ की कॉर्पस होगी और उससे 18 लाख पर मंथ पर एनम की इनको रिटायरमेंट की बेनिफिट आ सकती है. So 1 lakh rupees, 95,000 rupees per month की इनको आज से निवेश की शुरुआत करनी होगी. All right, mutual fund से ही जुड़ा हुआ एक और दर्शक हमारे पास सवाल है. मुंबई से त्रिलोक जी का सवाल लेते हैं. कहते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में मैं निवेश करूं, 20 साल इन्होंने अपना एक टारगेट सेट किया है, SIP शुरू करना चाहते हैं इन 20 years के लिए. अब अपने पोर्टफोलियो में कितने फंड्स मुझे रखने चाहिए जानना चाहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं और 10% निवेश लार्ज कैप में भी करना चाहते हैं, तो एक्सपोजर इन्हें काफी बड़ा चाहिए, तो ये स्ट्रैटेजी इनकी कैसी लगती है आपको? तो मेरे हिसाब से अगर इनका निवेश जो करना है, इनको 20 इयर्स का टारगेट है, पहले सबसे पहला ये अहम सवाल उठता है कि कितना इक्विटी में डालूं और कितना डेट में इन्वेस्ट करूं, जिसको कहते हैं एसेट एलोकेशन. क्योंकि इनकी जो रिटर्न की जो निर्भरता है वो एसेट एलोकेशन पे ही प्रोडोमिनेंटली डिपेंड करेगी. तो इनकी एज आई थिंक फेवरिंग होगी क्योंकि इन्होंने 20 इयर्स का टाइम फ्रेम रखा है, तो लार्जली इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं. और लार्ज कैप स्कीम में मेरे हिसाब से मिराई इंडिया एसेट अपॉर्चुनिटीज एक बहुत अच्छा स्कीम रहेगा, और मिड कैप स्कीम में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड. अगर ये दो लार्ज कैप और मिड कैप में ये फंड्स अगर उनके पोर्टफोलियो में ना हो, उनको अगर यूज करें तो काफी फायदा हो सकता है. और एज के हिसाब से अगर डेट और इक्विटी का एक रेशो देखा जाए तो कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम से 30s टू 50s और इवन 60s? सी अगर 30s की एज की बात की जाए, आज की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख के मेरे हिसाब से 80-85% एक 30 ईयर के ओल्ड के पोर्टफोलियो में इक्विटी ही होना चाहिए और डेट की मात्रा कम होनी चाहिए. और जैसे एज बढ़े और आई भी बढ़े तो वैल्यूज बढ़ती हैं, बट एसेट्स इक्विटी एसेट्स अगर 40 देखा जाए तो 80 से घटा के 60 कर दी जाए और 50 में पहुंच जाएं, 50 की एज में पहुंच जाएं, तो ऑलमोस्ट 40-50% इक्विटी रखें. क्योंकि आज की करंट सिचुएशन में हाई इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी है हमारी, उसमें डेट से काफी फायदा नहीं हो सकता है. रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए डेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वेन्यू नहीं होगा. सो 80, 60 एंड 40 30 इयर्स की एज में और 40 और 50 रेस्पेक्टिवली एक अच्छा एसेट एलोकेशन होगा इक्विटी के झुकाव में. तो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की अगर बात कर रहे हैं तो इक्विटी फंड में निवेश को लेकर अगले दर्शक का सवाल है. झारखंड से रोहित हमसे जानना चाह रहे कि इक्विटी फंड में ये निवेश करना चाहते हैं, किस इक्विटी फंड में निवेश करें, इक्विटी फंड में 5 लाख ये निवेश करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स इनके लिए बेहतर रहेंगे? तो यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये रोहित जो है वो अभी अच्छी यंग एज में ही होंगे. हाँ, तो इनकी लार्ज कैप और मिड कैप और अपॉर्चुनिटीज 5 फंड इनको चूज करने चाहिए. अगर इन्होंने 2 लार्ज कैप 2 मिड कैप और 1 अपॉर्चुनिटीज फंड यूज किया तो कुल मिला के 5 फंड के हिसाब से इनके ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियो में इन इफेक्ट आ जाएंगे. तो 2 लार्ज कैप बता देता हूँ, ICICI फोकस ब्लू चिप और SBI ब्लू चिप फंड. ये 2 बहुत अच्छे लार्ज कैप फंड्स हैं. अगले 2-3 साल के परस्पेक्टिव से इनकी परफॉर्मेंसेस काफी अच्छी रहेंगी. तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप कैटेगरी में SBI का लार्ज कैप फंड ब्लू चिप फंड कहलाता है और ICICI फोकस ब्लू चिप, ये 2 लार्ज कैप कैटेगरी में. और मिड कैप कैटेगरी में SBI मैग्नम मिड कैप जो बहुत अच्छी फंड मैनेजर हैं, सोहिनी वो मैनेज करती हैं, उनकी स्टॉक पिकिंग कैपेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है. तो SBI मैग्नम मिड कैप एंड कैनरा रोबको एमर्जिंग मार्केट्स फंड, ये 2 लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी के 4 फंड हो गए. और लास्टली अगर आप अपॉर्चुनिटीज फंड देखें जो बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों में सब में निवेश कर सकता है, उसमें ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड एक बहुत अच्छा निवेश रहेगा अगले 3 इयर्स की परस्पेक्टिव से. ऑफ कोर्स 1 ईयर 2 ईयर में इनको परफॉर्मेंसेस को रिव्यू जरूर करें, बट अगर इन्होंने 5 लाख रुपए डालने हैं आज निवेश करने हैं तो 5 फंड्स में लाख रुपए अगर ये निवेश करेंगे तो इनका अच्छा डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाएगा 200 स्टॉक्स का और अच्छी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपनी में लार्ज मिड और अपॉर्चुनिटीज फंड सब में एक्सपोजर हो जाएगा. क्योंकि ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी डिवर्सिफिकेशन रखना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी. ऑलराइट, एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, कुछ और पोर्टफोलियोज को हम डिस्कस करेंगे और कैसे करें आप अपने लिए एक अच्छी
फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जानेंगे हम फिरोज से थोड़ी सी देर में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मनी गुरु। मणिकुल में आज फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए दर्शकों के सवालों के जवाब जान रहे हैं। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर फिरोज अजीज है। फिरोज, पुणे से सिद्धार्थ जोशी का हमें सवाल आया है। वो कहते हैं कि मेरे पास दो LIC की जीवन आनंद पॉलिसी है, पॉलिसी की दो और छह किस्तें भी जमा कर चुके हैं, लेकिन अब ये पॉलिसी को जारी रखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अब एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं, तो टर्म प्लान के लिए क्या विकल्प है? अमूमन देखा गया है कि ट्रेडिशनल LIC पॉलिसीज को लेकर जो एक्सपर्ट्स होते हैं कहते हैं कि बेटर है कि आप टर्म प्लान ले, ऐसा क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये सिद्धार्थ का जो डिसीजन है LIC को डिसकंटिन्यू करने का, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इनकी जो ना तो इंश्योरेंस की ऑब्जेक्टिव ठीक तरह से पूरी होती है ना तो इन्वेस्टमेंट की। तो मेरे हिसाब से LIC की जो पॉलिसीज जो है ये दोनों डेफिनेटली सरेंडर करनी चाहिए, इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक दो चीजें जरूर चेक करनी पड़ती हैं। अगर इन्होंने छह इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं तो इनको ये देखना पड़ेगा कि अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम पेइंग टर्म कहते हैं उसको, कितने साल मिनिमम आपको भरना है वो लिखा होता है आपकी पॉलिसी में। अगर वो आप पार कर चुके हैं, जनरली 5 ईयर्स होता है, अगर वो आपने पार कर लिया तो उसकी प्रीमियम पेमेंट्स आप स्टॉप कर दें। और ये भी फाइंड आउट करें कि विड्रॉवल के लिए क्या कॉस्ट है, अगर कॉस्ट ज्यादा हो तो विड्रॉ ना करें और उसको और 4-5 साल रहने दें, बट प्रीमियम्स पे तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, इसके बदली अगर टर्म प्लान लेना है तो मेरे हिसाब से आज की डेट में टर्म प्लान्स की पॉलिसी के जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं वो काफी डिप हुई हैं, बट इसका जो बेनिफिट होता है और आपको सस्ते में टर्म प्लान्स मिलती हैं अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, तो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगी आपको टर्म प्लान के लिए सिद्धार्थ जी। और ये HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट का सेटलमेंट क्लेम रेशियो जो कहते हैं, जिसमें अगर कोई क्लेम करे तो उसकी पेमेंट्स मिलती हैं कि नहीं, वो मेजर किया जाता है IRDA के द्वारा, और उसकी सेटलमेंट HDFC की सेटलमेंट क्लेम रेशियोस आर वेरी गुड। सो HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट अगर आप खरीदेंगे तो आपकी इंश्योरेंस कवर भी बनी रहेगी और LIC के जो और प्रीमियम्स हैं वो भी भरने नहीं पड़ेंगे आपको, और यू विल नॉट बी पुटिंग मोर गुड मनी टू बैड। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, कई लोग ऐसा पूछते हैं फिरोज कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे अगर डालूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? और ऐसा ही सवाल अहमदाबाद से केतन शाह का भी है। कहते हैं म्यूचुअल फंड में ऊंचा रिटर्न इन्हें चाहिए, म्यूचुअल फंड में ऊंचा रिटर्न चाहते हैं तो किस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए और किस तरह के का रिस्क जुड़ा होता है? तो हाई रिटर्न बेस्ड जो इस तरीके के निवेश होते हैं उसको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव फिक्स करना ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी होता है, और रिस्क ऑफकोर्स सब ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो रिस्क का जो पहलू है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई रिटर्न्स ऑलवेज कम विथ हाई रिस्क। तो म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें एटलीस्ट 30-40 स्टॉक्स मिनिमम एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे खरीदते हैं, तो रिस्क काफी मिटिगेट हो जाती है क्योंकि ऑल एग्स आर नॉट इन वन बास्केट। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में रिस्क कम ही होती है, बट अगर मिड कैप फंड चूज करें तो उसमें रिटर्न ज्यादा आने की संभावना होती है, और लार्ज कैप में कम, क्योंकि जो कंपनीज वो खरीदते हैं वो काफी मेच्योर होती हैं, उसमें रिस्क कम होता है। तो मिड कैप एंड माइक्रो कैप पोर्टफोलियोज एक अच्छी रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। हमने इनफैक्ट अब बैलेंस फंड्स को लेकर भी हमारे पास कई सवाल आते हैं, और ऐसा ही सवाल गुरुग्राम से सुरेश मेहता का भी है। कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, बैलेंस फंड में निवेश अब ये करना चाहते हैं, किन बैलेंस फंड में निवेश करना इनके लिए बेटर होगा? बैलेंस फंड्स एक बहुत अच्छा जरिया हो गए हैं क्योंकि उनकी जो टैक्सेशन है वो काफी इफेक्टिव है, और उसको इक्विटी टैक्सेशन की बेनिफिट है जो कि डेट फंड्स को नहीं होती, तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जीरो है बैलेंस फंड में। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है एक रिटेल निवेशक के लिए, बैलेंस्ड फंड पे तवज्जो देना एक बहुत समझदारी का डिसीजन होगा क्योंकि उसमें इक्विटी टैक्सेशन लॉन्ग टर्म में जीरो है। अब रहा सवाल बैलेंस फंड में कौन से अच्छे फंड हैं जो एक आदमी खरीद सकता है, तो मेरे हिसाब से HDFC प्रूडेंस फंड एक अच्छा निवेश रह सकता है बैलेंस फंड कैटेगरी में, और ICICI का बैलेंस्ड फंड, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड फंड है। ये दो फंड्स अगर डालें तो आपको इक्विटी की टैक्सेशन भी मिलेगी और डेट की थोड़ी सी स्टेबिलिटी और इक्विटी का ग्रोथ, सो इट्स ऑल पुट इन वन, सो इट्स अ गुड डिसीजन टू लुक एट अ बैलेंस्ड फंड। और इतना कितना एडवाइजेबल है फिरोज, आपसे क्विकली जानना चाहेंगे कि बैलेंस फंड्स हर किसी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, चाहे वो एक न्यू इन्वेस्टर हो या फिर एक प्रो इन्वेस्टर हो?
मेरे हिसाब से जैसे आपका पोर्टफोलियो की साइज बढ़ती है तो बैलेंस फंड का रेलेवेंस थोड़ा कम होता है, क्योंकि वो जो एसेट एलोकेशन का डिसीजन है कि कितना डेट में डालना है और कितना इक्विटी में डालना है, एक HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को खुद से लेना चाहिए, बट एक रिटेल निवेशक जो मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं SIP के द्वारा, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टूल है। तो सबके पोर्टफोलियो में शायद इसकी जरूरत ना हो। जैसे आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो तो बैलेंस फंड ना लें, क्योंकि वो डेट और इक्विटी की जो डिसीजन एलोकेशन की डिसीजन है वो आपको खुद करनी चाहिए और ना कि फंड मैनेजर को डेलीगेट करनी चाहिए। बट रिटेल निवेशक SIPs के लिए बैलेंस्ड फंड्स की बहुत अच्छी रेलेवेंस है हर पोर्टफोलियो में। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फिरोज अजीज हमारे साथ मनी गुरु के आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल हमारे शो में बस इतना है, अगली बार लौटेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए।